मुझे बहुत लंबे समय से 13 नंबर दिखाई दे रहा था और अभी भी दिखाई दे रहा है, और ये वीडियो जब मैंने बनाई है तो अभी अचानक से 13 सेकंड पर ही मेरी नज़र गई, तो ये नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को भी दिखाई दे। तो इस वजह से मैं इस नंबर के बारे में कुछ मैंने रिसर्च किया है, आज वही मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये बहुत यूनिक एक्सप्लेन है और आपके लिए बहुत खुशी की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखो, जब भी हमें ये नंबर दिखाई देता है जो 13 है, तो हम अचानक से मन में एक शंका हो जाती है, क्योंकि इस नंबर को नेगेटिव तरीके से लोग देखने लगे हैं, और आप YouTube पर जितनी वीडियो सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग इस नंबर के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस नंबर की बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन फील हुई। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि 13 नंबर के बारे में ये जो दिखाई दे रहा है, अभी मैंने पीछे बताया, एक्सप्लेन किया कि ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है। अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। जब भी आपको 13 नंबर दिखाई दे, तब आपको ये सोच लेना चाहिए कि इस वक्त आप बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस पर हो। आपकी ज़िंदगी में मैं जानता हूँ कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी आप बिल्कुल बैलेंस में खड़े हुए हो। अब जो आपके फैसले हैं, अब जो आप फैसले लेने वाले हो, वो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। प्रभावित ऐसे करेंगे कि आप ज़ीरो पर हैं। अगर ज़ीरो के आप सीधे डायरेक्शन में देखते हैं तो पॉजिटिव नंबर चलते हैं, और ज़ीरो की उल्टी दिशा में देखते हैं तो नेगेटिव नंबर चलते हैं। तो ये ऐसा समय है जब आपको फैसले लेने हैं। 13 नंबर बार बार दिखाकर यूनिवर्स, भगवान इस बात को बता रहे हैं कि आपको सही फैसले बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। आपका एक फैसला पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करने वाला है। ये जो वक्त है वो चेंज का, क्योंकि तुमने देखा है कि हर बार लोग जो बोलते हैं कि 13 नंबर सडनली अचानक चेंज का, परिवर्तन का प्रतीक होता है, तो यहाँ पर भी मैं परिवर्तन ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये परिवर्तन आपके फैसलों पर डिपेंड करेगा। तो इस जो मैंने बताया कि आपका एक सही फैसला पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगेगा, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अचानक से चेंज से आपकी ज़िंदगी बूस्ट होने लगी है। लेकिन अगर आपका फैसला बाय चांस गलत हो जाता है, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में जाने लगी है। तो इसी वजह से ये नंबर दिखाकर यूनिवर्स, भगवान बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि दिल और दिमाग दोनों की सोच सुनकर, सोच समझकर, समय देखकर, लोगों का व्यवहार देखकर फैसला लें। किसी भी तरीके का अगर आप फैसला ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लें। ये फैसला आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है, और यही मैंने स्टडी की है। तो क्या आपके मन में एक तो ख्याल आता होगा कि सही फैसला कैसे लें, ये तो मैंने बोल दिया कि सही फैसला लेने की ज़रूरत है, लेकिन प्रश्न यह आता है कि सही फैसला कैसे लें। तो देखो, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है सही फैसला। एक, कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है आपकी लाइफ के लिए, तो इस तरीके से आप बुद्धि का यूज़ कीजिए कि आपके लिए उपयोग क्या है। दूसरा तरीका है कि आप अपने कुल देवी देवता पर, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मानते हो, उनकी आराधना, उनकी भक्ति कीजिए, और उनसे कीजिए, कहिए कि भगवान हमने ये जीवन आपको समर्पित कर दिया है और आप ही रास्ता दिखाइए। यकीन मानिए 100% वो आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर दिखाएंगे जिससे आप सही डायरेक्शन में कदम रखेंगे। तो इस वजह से ये नंबर पॉजिटिव तरीके से आप देखिए कि भगवान आपको कितना गाइड कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आजकल मैं आपके कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, इसलिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा।